हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है रफाकत अली और आप देख रहे हैं बीकन कंप्यूटर। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कैसे हम जो है बड़ी फाइल को जो है सेंड कर सकते हैं, लार्ज फाइल को, बहुत ही लार्ज फाइल को 50 GB तक डाटा आप जो है सेंड कर सकते हैं इजीली और आसानी से। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। तो सबसे पहले आपने अपना गूगल क्रोम ओपन कर लेना है। तो गूगल क्रोम ओपन करने के बाद यहाँ पर आपको लिखना है क्रोम वेब स्टोर। यहाँ पर आपको लिखना है क्रोम वेब स्टोर। जैसे ही आप क्रोम वेब स्टोर लिखेंगे तो कुछ इस तरह का शो हो जाएगा। इसको आपने ओपन कर लेना है और यहाँ पर आपको लिखना है सेंड एनीवेयर। सेंड एनीवेयर को लिखने के बाद ये देखिए आपको जो है एक एक्सटेंशन शो हो जाएगी। मैं यहाँ से जूम करके दिखा सकता हूँ। ये देखें हमारे पास जो है एक एक्सटेंशन जो है वो शो हो चुकी है। यहाँ पर लिखा हुआ है शेयर लार्ज फाइल अप टू 50 GB ऑन जीमेल स्लैक मोर। तो इसकी मदद से आप 50 GB तक जो है वो डाटा जो है वो आसानी से जो है वो सेंड कर सकते हैं। तो जैसे ही आप इसको ऐड टू गूगल क्रोम कर लेंगे तो ये आपको इस तरह की ऊपर नजर आ जाएगी। उसके बाद आपने अपना जीमेल अकाउंट जो है ओपन कर लेना है। मैं अपना जीमेल अकाउंट ओपन कर लेता हूँ। जैसे ही आप अपना जीमेल अकाउंट ओपन करेंगे तो यहाँ पर कंपोज ईमेल पे जाएंगे। तो जैसे ही आप कंपोज ईमेल पे जाएंगे तो आपको कुछ इस तरह का नजर आएगा। मैं यहां से भी जूम करके दिखा देता हूं आपको। कंपोज ईमेल करने के बाद ये देखें आपको ये एक सामने तीन डॉट जो है वो नजर आ रहे होंगे। इसके ऊपर आपने जो है क्लिक कर देना है। ये एक सेंड का ऑप्शन है और साथ में ये लिखा हुआ है अटैच फाइल विद सेंड एनीवेयर। इसको आपने जो है इसके ऊपर आपने क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो ये देखें कुछ इस तरह का ऑप्शन आ गया है, क्लिक योर फाइल ड्रैग एंड ड्रॉप सेंड फाइल्स। तो कोई भी फाइल आप ड्रैग एंड ड्रॉप करके जो है वो सेंड कर सकते हैं। फर्स्ट करें मैं एक पिक्चर सेंड करता हूँ। तो मैं जैसे इसको ड्रैग करके इसके ऊपर छोड़ता हूँ तो ये देखें पिक्चर जो है इसके अंदर जो है वो चली गई है। ये देखें ये पिक्चर जो है इसके अंदर जो है वो अटैच हो गई है। तो इसको मैं कर देता हूँ अटैच। जैसे ही मैं अटैच करूँगा और यहाँ पर जिसको भी मैंने सेंड करनी है उसका मैं यहाँ पर ईमेल अकाउंट लिखूँगा। तो जैसा कि मेरे पास कुछ ईमेल अकाउंट है तो मैं यहाँ पर ईमेल अकाउंट लिख देता हूँ। जैसे मैंने ईमेल अकाउंट लिखा है तो आप सेंड पे क्लिक करेंगे तो ये फाइल जो है आपकी जो है वो सेंड हो जाएगी। अब मैं अपना ईमेल अकाउंट चेक कर लेता हूँ, दूसरे नंबर से लॉगिन करूँगा। तो जैसे ही आप इसको जो है वो लॉगिन करेंगे तो आपको जो है वो फाइल मिल जाएगी। जब अभी मैं वो लॉगिन नहीं करता क्योंकि फाइल हमारी जो है वो सेंड हो चुकी है, इजीली आपके सामने मैंने की है। इस तरह जो है आप 50 GB तक की फाइल जो है आसानी से सेंड कर सकते हैं एक यूजर से दूसरे यूजर की तरफ। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।